जालोर के रानीवाड़ा के पास जालेरा खुर्द गांव में पिछले 3 महीनों में पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और साथ ही ग्रामीणों को इस समस्या से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय की ओर से पेयजल आपूर्ति हो रही है, लेकिन असामाजिक तत्वों ने पाइपलाइन को तोड़कर अवैध कनेक्शन ले रखे हैं। इसके चलते गाँव की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन बावजूद इसके समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 3 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और मेन बात यह है कि गांव में 60 टांके बने हुए हैं पानी के, उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। गांव के सभी इधर उधर अपने पैसों से पानी डलवाते हैं, बेचारे गरीब लोगों को पानी नहीं मिलता है। जो संपन्न लोग हैं वो तो अपना गुजारा कर सकते, लेकिन गरीबों के लिए परेशानी हो रही है। और बाकी एक मेन समस्या ये कि 7 बोरिंग है उसमें अवैध कनेक्शन लिए हुए हैं। गाँव में पानी की वो कनेक्शनों की वजह से बोरिंग का पानी गाँव के टांकों तक नहीं पहुंच पा रहा है।